खबर पवई से है, जहां क्षेत्र के सैकड़ों गांवों से मरीज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य लाभ लेने आते हैं। उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं और व्यवस्थाएं न होने के कारण क्षेत्रीय विधायक प्रहलाद लोधी और सांसद बीडी शर्मा के अथक प्रयासों से पवई क्षेत्र की मांग अनुसार 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल के निर्माण के लिए 10 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें निर्माण एजेंसी द्वारा घटिया सामग्री और तकनीकी मार्गदर्शन के विपरीत मौके पर अत्यंत धीमी गति से कार्य किया जा रहा है। भूमि पूजन वर्ष 2021-22 में किया गया था, जिसके निर्माण कार्य की समय सीमा लगभग 11 महीने बताई गई है। 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी मौके पर 30% से भी कम कार्य हुआ है। आधे से अधिक कार्य सिर्फ पिलर पर ही रुका हुआ है। शुक्रवार को दोपहर करीब 300 बजे मीडिया कर्मियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। कार्य के दौरान राजमिस्त्री समेत 10 से भी कम मजदूर मौजूद थे और कोई भी तकनीकी इंजीनियर और कर्मचारी नहीं मिला। क्षेत्रवासियों ने वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि निर्माण कार्य की समीक्षा की जाए। जिस गति से ये कार्य चल रहा है, उसे देखकर लगता है कि आगामी 5 वर्षों में भी ये कार्य पूरा होना संभव नहीं है। पवई से अनूप शुक्ला की रिपोर्ट। आदरणीय बीडी शर्मा जो हमारे खजराव के सांसद हैं, उपदेश अध्यक्ष भी हैं, और विधायक जी प्रहलाद लोधी, इन दोनों के आर्थिक प्रयास से पवई में सिविल अस्पताल स्वीकृत हुआ है। कार तो अच्छा हुआ, लेकिन जो अस्पताल जो निर्माण कर रहा जो ठेकेदार है, वो 17/5/2022 को कलेक्टर ने वहाँ पर भूमि स्वीकृत भी कर दी, तब से वो कछुआ चाल में निर्माण हो रहा है। अभी तक अस्पताल सेवल का कोई काम गुणवत्ताहीन है। उसमें ईंटें जो लगी हैं वो रद्दी क्वालिटी की ईंटें हैं, वो सीमेंट की ईंटें हैं, उसको यदि पटक दिया तो फूट जाती है। वो सिविल अस्पताल एक दिन के लिए थोड़ी बनता है, आने वाली पीढ़ियों के भी काम में आता है। और इस अस्पताल में इसकी आधिकारिक जाँच की जाए। आपको बता दें कि पवई से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां ये स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होना था, लेकिन इसका कार्य कछुआ गति से हो रहा है। आपको बता दें कि भवन निर्माण में भारी अनियमितताएं आ रही हैं और लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ये निर्माण कार्य हो रहा है, उसकी जो रफ्तार है वो काफी धीमी है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ पवई से संवाददाता अनूप शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरीके से ये भवन निर्माण हो रहा है, सिविल अस्पताल का निर्माण हो रहा है, काफी धीमी गति देखने को मिल रही है, क्या लोगों की मांग है और इसका निरीक्षण अभी तक किया गया है या नहीं? जी आकांक्षा जी, मैं बता दूं आपको कि अभी तक लगातार जो देखा जा रहा है, क्योंकि इस बताया जा रहा है कि इसके निर्माण की जो अवधि थी सिविल अस्पताल की, वो 11 महीने की रखी गई थी जी। और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 2022 में हुआ था जी। लेकिन 2022 से इसका निर्माण कार्य चल रहा है, उसके बावजूद अभी तक जो इसका निर्माण कार्य जो है कुछ आधा हिस्सा तो ऐसा देखने में जब निरीक्षण किया गया कि पिलर भी खड़े नहीं हुए हैं, तो इसमें लगातार ये देखा जा रहा है कि ये जो कछुआ गति से निर्माण कार्य चल रहा है, तो लगभग 5 साल और लग सकते हैं इसके निर्माण कार्य में जी। वही अनूप जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2022 से ये निर्माण चल रहा है, ये भी मामला सामने आया था कि वहाँ स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उसके बाद सिविल अस्पताल का निर्माण होना शुरू हुआ, तो लोगों की किस तरीके की प्रतिक्रिया वहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग अभी भी सुविधाओं से वंचित हैं? देखिए पवई जो सिविल सामुदायिक अस्पताल था, उसको पवई विधायक प्रहलाद लोधी और जो क्षेत्रीय सांसद है विष्णुदत्त शर्मा जी के अथक प्रयासों से सिविल अस्पताल में उन्नयन कराया गया था जी। और पवई जो क्षेत्र है, इसके आंचलिक लगभग सैकड़ों ग्राम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए पवई आते हैं। ऐसे में निर्माण कार्य यदि इतनी धीमी गति से होगा, तो जो लोगों को अपेक्षाएं थी कि उन्हें जल्दी ही पवई में ही हर तरह का इलाज जो है वो मिल सकेगा, उनकी अपेक्षाएं कहीं ना कहीं धूमिल नजर होती आ रही हैं जी। वही अनूप जी, अगर बात करें तो जिस तरीके से मौका मुआयना भी आपने किया होगा, देखा होगा, मजदूरों की संख्या भी कम बताई जा रही है कि जितनी तेजी के साथ मजदूरों को वहां रखकर काम कराना था वो नहीं हो पा रहा है। निरीक्षण किया गया निर्माण जहाँ पर सामुदायिक जो सिविल अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ लगभग 10 या 10 से कम ही मजदूर देखे गए हैं और निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है जी। ठीक है अनूप शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी इस खबर पर हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो सिविल अस्पताल का निर्माण है, ये लगातार 2022 से किया जा रहा है और अभी भी जो इसका निर्माण कार्य है वो काफी धीमी गति से हो रहा है, जिसके चलते आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि अभी वहां सिर्फ पिलर्स खड़े किए गए हैं और ये काम लगभग 2 सालों से चल रहा है, लेकिन अभी तक लोगों को उसकी सुविधाएं नहीं मिल पा रही।